गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालय के स्नातक और परास्नातक छात्रों के परीक्षा फल को शिफ्टवार घोषित किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक कुल 300 परीक्षा फल घोषित किए जा चुके हैं। मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार सिंह द्वारा 95 परीक्षा फल घोषित किए गए हैं, जिसको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बीकॉम प्रथम वर्ष कुल परीक्षा फल 2, बीकॉम द्वितीय वर्ष 2, एमए समाजशास्त्र प्रथम वर्ष 27, प्राचीन इतिहास प्रथम वर्ष में 2, इतिहास प्रथम वर्ष में 4, राजनीति शास्त्र द्वितीय वर्ष में 1, हिंदी प्रथम वर्ष में 40, एमए अंग्रेजी प्रथम वर्ष में 3, एमए संस्कृत प्रथम वर्ष में 2, एमए उर्दू प्रथम वर्ष में 1, एमकॉम प्रथम वर्ष में 10, एमएससी प्राणी विज्ञान तृतीय सेमेस्टर में कुल परीक्षा फल 1 घोषित किए गए हैं, जिनको मिलाकर मंगलवार को कुल 95 परीक्षा फल घोषित किए गए हैं। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया, पंचानवे रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें बीकॉम प्रथम वर्ष के 2, बीकॉम द्वितीय वर्ष के 2, एमए समाजशास्त्र प्रथम वर्ष के 27, एमए प्राचीन इतिहास प्रथम वर्ष के 2, एमए इतिहास प्रथम वर्ष के 4, एमए राजनीति शास्त्र द्वितीय वर्ष के 1, एमए हिंदी प्रथम वर्ष के 40, एमए अंग्रेजी प्रथम वर्ष के 3, एमए संस्कृत प्रथम वर्ष के 2, एमए उर्दू प्रथम वर्ष के 1, एमकॉम प्रथम वर्ष के 10, एमएससी प्राणी विज्ञान तृतीय सेमेस्टर के 1। इस हिसाब से कुल हमारे लगभग जो है 397 रिजल्ट घोषित कर दिए हैं और हमारी थर्ड ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं। जैसे परीक्षा क्रॉस होती है इसका जो रिजल्ट घोषित कर देंगे, ताकि छात्र जो अगली कक्षा में प्रवेश ले सके या अदर इंस्टीट्यूशन में जहाँ जाना हो वहाँ जाकर प्रवेश ले सके। ये सारे छात्रों के इसका पूरा ध्यान रख रहा है। विश्वविद्यालय का परीक्षा फल विश्वविद्यालय की वेबसाइट DDU.ac.in से देखा जा सकता है, कोई भी छात्र कहीं से भी देख सकता है। कोरोना काल में छात्र किसी भी स्तर से देख सकते हैं।